आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैकडोनल्ड के मैक अरेबिया की रेसिपी। और घर में भी जो है वो आप वीकेंड पे बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन आप कुछ लोग जो है वो उसको विजिट नहीं कर सकते, तो इस रेसिपी के जरिए आप घर में भी मैकडोनल्ड का मैक अरेबिया जो है जो बच्चों की को बहुत ज़्यादा पसंद होता है आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट। मैं डो तैयार करूँगी जिससे मैं इसकी ब्रेड बनाऊँगी। एंड इसके लिए मैंने लिया है 2.5 कप ऑफ मैदा, और कप जो मैंने यूज़ किया मेजरमेंट के लिए वो आलमोस्ट 220 ml का कप था। और इसमें ऐड करेंगे हम 1 tablespoon ऑफ इंस्टेंट यीस्ट। थ्री टेबल स्पून ऑफ कुकिंग ऑयल। हाफ टेबल स्पून से भी कम ही आप नमक ऐड करेंगे बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू मेक इट टू सॉल्टी, जस्ट टू गिव इट टेस्ट। वन टी स्पून ऑफ ब्राउन शुगर एंड द लास्ट वन इंग्रीडियंट जो कि मैकडोनल्ड की मैक अरेबिया की पीटा ब्रेड का इंटेग्रल पार्ट है जिसके बगैर ये बनाना मुमकिन नहीं, 1 teaspoon ऑफ कलवंजी। ये उसके पैटी में भी ऐड होगी और उसकी ब्रेड में भी। अब हम जी रूम टेम्परेचर वाटर से सिंपली इसको गून लेंगे। कोई इसमें मुश्किल जो है वो साइंस या टेक्नोलॉजी में यूज़ नहीं कर रही, सिंपल वे में यू कैन एंजॉय मैकडोनल्ड मैक अरेबिया एट होम। अब ग्रेजुअली इसमें पानी ऐड करें। गूंदने के बाद हमारी डो रेडी होगी। अब हम इसको रख देंगे ऑलमोस्ट 2 hours के लिए। थोड़ा सा अगर आप सरफेस पे ऑयल लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज इनफ ऑयल जो है वो हमने इसमें ऐड कर दी है। अब इसको हम प्लास्टिक शीट से कवर करेंगे और इसको रख देंगे गर्म जगह पे फॉर एटलीस्ट 2 hours सो दैट यीस्ट से जो है इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए। इसको अब हम कवर करने के बाद किसी गर्म जगह पर रख देंगे फॉर एटलीस्ट 2 hours और ये हमारी जो है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस के कंप्लीट होने तक हम इसको रख देंगे वॉर्म प्लेस करेंगे। सेकंड स्टेप ऑफ मैक अरेबिया जिसमें हम इसकी चिकन पैटी तैयार करेंगे विच इज़ हार्ट ऑफ मैक अरेबिया। उसके लिए मैंने 800 grams जो है वो क्यूब में कटा हुआ बोनलेस चिकन लिया है और इसको मैं थोड़ा सा सीजनिंग इसमें ऐड करूँगी। 1 teaspoon मैंने लिया है फुल गार्लिक पाउडर का, ऑल्सो 1 teaspoon ऑफ अनियन पाउडर, 1 teaspoon ऑफ कलवंजी सीड्स, 1/2 teaspoon ऑफ वाइट पेपर, 1 teaspoon ऑफ ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप सॉल्ट ऐड कर लें एंड मैं ऐड करूँगी इसमें गार्लिक पार्सले सीजनिंग एज वेल अ लिटल बिट, आई मीन जस्ट 1/2 teaspoon नॉट मोर देन दैट। थ्री टू फोर टेबल स्पून ऑफ ब्रेड क्रम्स, एंड लास्ट में 1 egg।
जी अब हम चॉपर में इसको चॉप कर लेंगे टू गेट अ फाइन मिक्सचर। व्यूअर्स हमारा जो है वो पैटी का रेडी है अब मिक्सचर, और इसको अब हम डिश में टेकआउट निकाल लेंगे। व्यूअर्स अब हम इस मिक्सचर से जो है वो पैटी बना लेंगे, और मेरे पास अभी पैटी मेकर अवेलेबल नहीं था, आई एम जस्ट यूजिंग द लिड ऑफ वन ऑफ माय स्पाइस कंटेनर। ऑयल आप हाथों को ग्रीस कर लें ऑयल से, और इस तरह से आप शेप दे लें। यू कैन यूज़ एनी किचन गैजेट विच यू थिंक दैट विल बी गुड टू गिव द शेप टू द पैटी। जी अब आप हाथ से इसको जो है वो सेटल डाउन कर लें। इन दिस वे यू विल गेट सेम साइज ऑफ सेम एजेस, पैटीज ऑफ सेम साइज एंड ऑफ सेम एजेस। दिस इज जस्ट अ ट्रिक। व्यूअर्स ये हमारी इस मिक्सचर से ऑलमोस्ट 8 पैटीज हैं वो रेडी हो गई हैं, और इसको मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लूँगी इनके ऊपर वाइट फ्लावर या मैदा थोड़ा सा। अब हम फ्राई पैन में जो है वो ऑयल गरम करेंगे और पैटीज को फ्राई कर लेंगे 4 एट ए टाइम। एट ए टाइम हम फ्राई कर लेंगे अपनी पैटीज को। साइड चेंज कर लें। एंड यू कैन सी इट्स कलर, इट्स टेक्सचर इज जस्ट लाइक द मैकरेबिया ऑफ मैकडॉनल्ड्स। अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे एंड अब टाइम हो गया है नेक्स्ट 4 को फ्राई करने का। नाउ द नेक्स्ट 4 विल गो इन द पैन एट मीडियम हाई फ्लेम। ये तो व्यूअर्स हमारे नेक्स्ट 4 पैटीज भी रेडी हैं, और इससे हम 4 बिग मैकरेबिया जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। आटा जो है वो हमारा रेडी हो गया, ये आप देख सकते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस के बाद दैट इज क्वाइट सॉफ्ट। खुश मैदे के साथ थोड़ा सा इसको शेप दे लेंगे, और फाइनली हम इसके बॉल्स बना लेंगे। वेयर अब खुश मैदा यूज करते हैं, आप इस तरह से इसके बॉल्स बना लें। वैसे हमने 4 बॉल इससे बना लिए। अब हम इसको बेलेंगे, और बेल के हम इसकी इसका पीटा ब्रेड बना लेंगे। इसको अब हम पीटा ब्रेड को दोनों तरफ से सेंक लेंगे। व्यूअर्स हमारी पीटा ब्रेड्स आर आल्सो रेडी एंड वी हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड आवर पैटीज। अब टाइम हो गया है मैकरेबिया की असेंबलिंग का, और अब हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जाएगा मेयोनीज। Just like that will be enough. Go. Onion rings. Tomato slices. And last but not the least, the iceberg.
Now we are just going to put the patties over it. जी अब हम इसको बंद करने की कोशिश करेंगे बिकॉज जस्ट लाइक द मैकरेबिया फैमिली जस्ट लाइक दिस यू विल गेट दिस शेप विच मैक्सिमम रिजेंबल्स टू द ओरिजिनल मैकरेबिया एंड इसके लोअर पोर्शन को हम पार्चमेंट पेपर में रैप कर देंगे लोअर पोर्शन को आप इसमें रैप कर लें एंड नाउ योर माइटी मैकरेबिया इज रेडी टू ईट हमारे माइटी मैकरेबिया जो है दे आर नाउ फुली रेडी और मैंने इसको असेंबल कर लिया और उम्मीद है कि रेसिपी आपको पसंद आएगी और दिस इज वेरी गुड इन साइज और दैट इज इनफ फॉर अ पर्सन आई होप आपको ये रेसिपी बाकी रेसिपी की तरह भी बहुत पसंद आएगी एंड यू विल रियली एंजॉय इट विद योर चिल्ड्रन एट होम टेक केयर एंड बाय बाय